बैतूल जिले के मांडवी गांव के बोरवेल में फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। यहां अटनेर क्षेत्र के 8 साल का तन्मय साहू मंगलवार शाम करीब 5 बजे खेत के पास पुराने बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। प्रशासन के द्वारा बचाव का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो रात भर चलता रहा। बुधवार दोपहर 12 बजे तक बोरवेल के पास 43 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। होमगार्ड कमांडेंट SR आजमी ने बताया कि 46 फीट तक खुदाई की जाएगी और इसके बाद 7 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम किया जाएगा। खुदाई करने के दौरान पानी निकल रहा है, जिसे बाहर फेंकने के लिए 2 मोटर पंप लगाए गए हैं, ताकि सुरंग बनाने में परेशानी ना हो। आजमी ने बताया कि सुरंग बनाने के लिए मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इस वजह से टीम के अनुभवी लोगों के द्वारा छोटी ड्रिलिंग मशीन की मदद से काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तन्मय के शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आई है। मौके पर पोकलेन मशीन बुलडोजर से खुदाई और मिट्टी मुरम हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, NDRF, SDERF, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं। मौके पर 6 पोकलेन, 3 बुलडोजर, ट्रैक्टर खुदाई और निकल रही मिट्टी मुरम को हटाने में लगाए गए हैं। अटनेर के कृष्णा गायकी ने बताया कि मांडवी के सुनील साहू का बालक खेत में खेल रहा था, इसी दौरान वह करीब 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यह बोरवेल 3 दिन पहले ही खोदा गया था। खेत में इस बोरवेल की गहराई करीब 400 फीट है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि बोरवेल में फंसे तन्मय को रस्सी के सहारे बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। उसके हाथ में रस्सी बंध गई और उससे करीब 12 फीट ऊपर तक खींच लिया गया था, लेकिन रस्सी खुल गई और वह वहीं पर अटक गया। अब तन्मय करीब 38 फीट गहराई पर अटका हुआ है। इसके बाद से उसके शरीर में हलचल नजर नहीं आई है। वो मट्टी के लिए आवाज आ रही नहीं है भाई, आवाज आ रही है। अपन बोल रहे हैं तो सुनाई भी आ रही है। पर टेंट वाला भाई कोई मौजूद है? मंगलू जी, मंगलू मंगलू मंगलू